हम सब जानते हैं कि थॉर गॉड ऑफ थंडर है, बट एक ऐसी रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है जहां थॉर को गॉड ऑफ फिस्ट बनना पड़ा था। स्टोरी के स्टार्ट में हम थॉर को हिमालयस पे देखते हैं एंड अपनी पूरी जिंदगी में वो पहली बार शांति महसूस कर रहा था, बट अचानक से ही वहां मियोनर क्रैश हो जाता है एंड थॉर उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब जब थॉर को मियोनर की जरूरत थी उसने थॉर का साथ छोड़ दिया। गुस्से में आके थॉर मियोनर को पंच कर देता है, बट अचानक से ही पीछे से आवाज आती है कि ये पंच मारने का सही तरीका नहीं है एंड हम देखते हैं कि थंडरर थॉर को अपने डायमेंशन में ले जाता है एंड थॉर को बताता है कि अगर तुम सही तरीके से पंच मारना सीख गए तो तुम्हें इस हैमर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि थॉर मियोनर को पंच कर रहा है, पर हर एक पंच के साथ थॉर की हड्डियां टूट रही थी एंड उसका खून पानी की तरह बह रहा था, बट थॉर रुकता नहीं है बल्कि वो उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एंड इसी वक्त थंडरर थॉर को बताता है कि तुम किसी तूफान की देवता नहीं हो बल्कि तुम वो देवता हो जो उन्हें पंच करता है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि थॉर ने सिर्फ एक पंच में मियोनर को नॉकआउट कर दिया है एंड इसी के साथ थॉर बन जाता है द गॉड ऑफ फिस्ट।